देख रहे हैं कि आई एम गोइंग टू माई स्कूल. और अपने पहले वीडियो में मैंने बात की थी सपनों के बारे में. तो आज मैं बात करने वाली हूँ जिंदगी के बारे में. जी हाँ, जिंदगी के बारे में. वॉट इज लाइफ? डिफरेंट डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन अबाउट ऑफ लाइफ. सम पीपल सेज दैट लाइफ इज अ जर्नी. सम पीपल सेज दैट लाइफ इज अ स्ट्रगल. सम पीपल सेज दैट लाइफ इज अ चैलेंज. बट अकॉर्डिंग टू मी लाइफ इज एन अपॉर्चुनिटी. वी हैव टू कैश इट. जी हाँ, कभी कभी जीतना नहीं हारना भी है जिंदगी. लगातार कोशिश करने के बाद फिर से उसी जज्बे के साथ नई शुरुआत करने का नाम है जिंदगी. और किसी उदास चेहरे पर छोटी सी स्माइल लाने का नाम है जिंदगी. हाँ, जिंदगी कभी कभी मुझे एक पहेली की तरह लगती है. एक पहेली को सुलझाने का प्रयास करते हैं तो दूसरी उलझ जाती है. दूसरी को सुलझाने का प्रयास करते हैं तो तीसरी उलझ जाती है. श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा था कि जिंदगी ना तो अतीत में है ना ही भविष्य में है. जिंदगी तो बस इस पल में है, तो क्यों ना इस पल को फिर से अच्छे से एंजॉय किया जाए. और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेथ एंड लाइफ? जी हाँ, मृत्यु जीवन में सिर्फ एक बार मिलती है, लेकिन जिंदगी हर रोज मिलती है. ये जिंदगी हमें रोज मिलती है कुछ नया करने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए और अपने जीवन के सभी उद्देश्यों को सार्थक करने के लिए. हाँ, अपनी जिंदगी को जिंदा दिली से जीते रहिए और जिंदगी में आपके जो मकसद हैं उनको पूरा करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जिंदगी हमें रोज मिलती है. हर उगते हुए सूर्य की किरण कुछ नया हमें सिखाने की प्रेरणा देती है. तो क्यों ना हम अपने पल को एंजॉय करें. तो आप जो है अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि लाइफ आपके अनुसार क्या है. तब तक के लिए बाय बाय.